हमारी शाखा का एक कार्यक्रम था, उसमें नरेंद्र भी आए थे। करीब 40-50 लोग बैठे थे हम स्वयंसेवक, उनके सामने उन्होंने विषय रखा। पहले सभी का परिचय किया उन्होंने। परिचय करने के बाद में एक एक से बातचीत करते थे, एक एक का नाम लेके बुलाते थे। तो मुझे आश्चर्य हुआ कि ये हम तो दो तीन आदमी का भी नाम सुनते हैं फिर भूल जाते हैं, ये तो इतने सारे याद रख सकते। तो 1986 में एक कार्यक्रम था कर्ण मुक्तेश्वर महादेव में। उस समय अखिल भारतीय जो अधिकारी थे दत्तोपन ठेंगड़े जी उस कार्यक्रम में आए थे। और सरसपुर में एक समापन का कार्यक्रम था बहुत बड़ा, तो उसमें नरेंद्र भी थे और गुजरात के शिक्षण मंत्री, उस समय वो कांग्रेस के थे, करसंदा सोनेरी, वो वहाँ पर थे, उसको अतिथि विशेष थे। और नरेंद्र भी नीचे बैठे थे हमारे साथ में। वो कार्यक्रम पूरा होने के बाद में मेरे घर में भोजन था। इन जो 5-7 महानुभव लोग थे, दत्तोपन जी, करसंदा सोनेरी और बाकी के लोग, उस समय मैं सिलाई का काम करता था और मेरा घर जो था बहुत ही छोटा। एक रूम थी मेरी 10x11 की और दूसरी एक रूम थी 10x12 की। दो रूम में मैं रहता था, दो मंजरी पर और एक रसोड़ा था। इतनी छोटी सी जगह में उन सभी लोगों को मैंने खाना पहुँचा दिया था। वो खाना आए थे, दत्तोपन जी आए थे और साथ साथ में नरेंद्र भी थे, प्रांत प्रचारक भी थे साथ में, मधुबी कुलकर्णी। तो नरेंद्र भाई आए और इन सभी को लोगों बिठाया, तो नरेंद्र भाई को बैठने की जगह ही नहीं थी, कहाँ बिठा, प्रश्न हो गया था। नरेंद्र भाई बोले कि मेरी चिंता मत करो, इन मेहमानों को बिठाओ, मैं तो परिवार का हूँ, मैं घर का हूँ, मैं कहाँ पर भी बैठ जाऊँगा, चिंता मत करो। तो एक छोटा सा टेबल एक कोने में पड़ा था, वो जाके वहाँ पर बैठ गए और बाकी के लोगों को सबको पिरोसना आई है। तो हम उसको नरेंद्र भी को पिरोसते थे खाना दे। अरे नहीं नहीं, मैं जाके ले लूँगा, आप चिंता ही मत करो मेरी, उनको पहले मेहमानों को खिलाओ। इतनी पारिवारिक भावना उनमें उस समय थी। मेरी दर्जी की दुकान थी, तो उनको पता था कि दर्जी की दुकान मेरी कहाँ है, मैं दरोड़ा में दर्जी की दुकान थी। तो दर्जी की दुकान पर एक बार आए अचानक और मुझे फ़ोन भी नहीं किया था, कि फ़ोन भी उसमें थे भी नहीं, और सामने फ़ोन करते थे कोई आने वाले। तो मैंने बोला ये आके खड़े रहे मेरे पास, क्या है नटू भाई। तो मेरे को उस समय ये दर्जी की लाइन के होने के बाद मेरे पान खाने की आदत थी और पान भी मैं तम्बाकू वाला खाता था। तो वो देख गए कि पान तम्बाकू वाला खाते हो, तो बोला हाँ, क्योंकि मैं इसके पहले भी कहीं संघ के कार्यकर्ता के सामने कभी पान नहीं खाता था, मगर ये मुझे पहचान गए, कब से आदत लग गई है। मैंने बोला ये कारीगर था उस समय से लग गई है, ठीक है प्रयत्न करो छोड़ने का। मगर उनकी बात दिल में इतनी लग गई कि उसके बाद में मैंने ये तम्बाकू छोड़ दिया। और उनको कपड़े भी सिलाने थे और कपड़े सिलाने के लिए आए थे मेरे पास, तो कपड़े मैंने उनके सिए, सिलाई करके बाद में उनको दिए, देके आया मैं कार्यालय पर, कपड़े भी सिला के। तो इतना याद रह गया मेरे, मैंने कहा ये इन्होंने मुझे इतना बताया। उसके बाद में मैंने छोड़ दिया, करीबन 15 साल से मेरी ये आदत थी निकल गई। उस समय कर्णावती महानगर का मुझे सेवा प्रमुख बनाया था। तो उस समय लगभग 1890 के आसपास सूरत में प्लेग हुआ, बहुत बड़ा प्लेग हुआ था, महामारी, प्लेग की महामारी। तो वहाँ से सूरत से कई लोग बाहर निकलते थे और मैं यहाँ से संघ की योजना के अनुसार 150 लोगों को लेकर सूरत में गए हम सफाई करने के लिए, साफ सफाई करने के लिए सूरत में प्लेग को सामने। और लोगों के ये सफाई भी कितनी होगी हमारे से, ये तो अलग बात है, मगर लोगों में दहशत जो थी उसको दूर करना और सफाई भी करना, ये विषय था उसमें सेवा का। तो उस समय मेरे साथ में कहीं अच्छे अच्छे कार्यकर्ता थे, आज के जो गृह मंत्री हैं अमित मिश्रा, वो भी मेरे साथ में थे उस समय। और उनको भी मैंने देखा था कि एक
कीचड़ यानी कि उसको उठा के उसका वो तगारा बोलते हैं ना हिंदी में भी तगारा बोलते हैं, तगारे में लेके वो डालने जाते थे खुद अमित मिश्रा उठाकर। और मैं सेवा प्रमुख था, मैं सभी को व्यवस्था में था, सभी व्यवस्था में था। 3 दिन तक हमने काम किया वहाँ पर। 3 दिन काम करने के बाद में नरेंद्र भाई का फोन आया, भाई अभी आपको वापस आना है, मगर वापस कैसे आना है ये सोचो। सभी के जितने भी है, जितने कार्यकर्ता आए हैं, ये सभी को डेटॉल को कपड़े पहने हुए उसको डेटॉल से नहलाओ पहले, और उनके जो कपड़े हैं जो पहने भी नहीं है कपड़े, कपड़े और उनके जो थैला है या सूटकेस है जो भी कुछ लाए हैं उन सभी को डेटॉल से साफ कर लाना है। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं आना चाहिए कैसे भी करके। तो कई लोगों ने बोला भाई क्या रही है थैले को साफ करने क्या है, मैंने उनको भी साफ करना है, ये नरेंद्र भी की आज्ञा है। और मैंने सभी को बताया, उसके बाद सभी ये नरेंद्र अमित भाई भी उस समय वो थैला वेला नहा कर सब वापस आए हम। तो नरेंद्र भाई की कितनी दीर्घ दृष्टि थी कि यहाँ आने के बाद में ये प्लेग जो है कर्णावती में प्लेग नहीं था उस समय, तो ये इन लोगों के काफ़ी यानी हो जावे तो नाम जो है नहीं उस जो अच्छे कार्यकर्ताओं का नहीं आना चाहिए शायद हो, तो इतनी सफाई करके कि कभी लाना नहीं चाहिए, इतनी दीर्घ दृष्टि उसमें देखी थी उस समय। मेरे घर मेरी फैक्ट्री, फिर मैंने दर्जी का धंधा छोड़ दिया था और फैक्ट्री मैंने की थी पाइप बनाने की। तो पाइप बनाने की फैक्ट्री किया तो नवचंडी हवन मैंने रखा फैक्ट्री पर, एक छोटी सी पत्रिका बनाई थी। उस समय मेरी परिस्थिति भी इतनी अच्छी नहीं थी, बड़ी मुश्किल से मैंने ये फैक्ट्री बनाई थी। छोटी सी पत्रिका गए हैं, हमने बोला कि मैं नरेंद्र भाई को देने पत्रिका निमंत्रण देने जाऊं, क्योंकि वो परिवार का मैं समझता था इसके लिए उनको देना चाहिए। वो आ तो नहीं सके, उस समय वो CM बन गए थे। तो मैंने बोला पत्रिका देखे आए, हम दोनों मैं और मेरी पत्नी दोनों गए पत्रिका देने के लिए उनके कार्यालय पर। कार्यालय पर गए और पत्रिका दिया उनको, तो अरे बोले कि ये क्या है, वो संचा सिलाई करने का काम छोड़ दिया क्या? तुरंत उन्होंने बताया कि इतना छोड़ दिया कि मैंने बोला हाँ छोड़ दिया, अब ये काम मैं लगा हूँ। ठीक है बहुत अच्छा, चलो प्रगति करना। तो बोला ये हवन है रखा है, आप आइए तो देखूँगा, ठीक है समय मिला तो आ जाएंगे। पत्रिका के अंदर उनका कुछ नाम नहीं था, कुछ भी नहीं था, मैंने एक अपना परिवार के जैसा उनको दिया था। बाद में जब हवन की 2 दिन पहले मेरी फैक्ट्री पर पुलिस वगैरह आई और पुलिस आके बताती है कि आपके यहाँ नरेंद्र भाई आने वाले हैं। जब मुझे पता चलता है कि नरेंद्र भाई आने वाले हैं, CM आने वाले हैं, मुझे तो पता नहीं है। उसके बाद में उनका PA का फोन आ गया मुझे कि आप वहाँ पर आने वाले हैं ऐसा, उसके बाद वहाँ तक मुझे पता नहीं था। मैंने इतनी छोटी सी पत्रिका के में निमंत्रण से वो आ जाएंगे। आने के बाद में हवन में आए, आने के बाद में जैसे वो फैक्ट्री के गेट में आए तो जो सिक्योरिटी गार्ड थे सभी, उन सभी को बोल दिया चलो आप मेरे से अभी दूर हो जाओ, मैं अपने परिवार में आया हूँ, यहाँ आपकी आप आवश्यकता नहीं है। तुरंत ही उन्होंने कहा कि ये अपना परिवार है। आने के बाद में सबसे कितने सारे मेहमान थे सभी से मिले, फैक्ट्री का देखा उन्होंने, फैक्ट्री कैसी चलती है क्या है मशीनरी सब दिखाई, मेरे लड़के ने दिखा, अनिल ने दिखाया, अनिल के खोपे के ऊपर हाथ रख के सब फैक्ट्री दिखाई। फिर उस ऑफिस में गए, ऑफिस में थोड़ी देर बैठे, बोले कि यहाँ क्यों बैठता है अभी, चलो अपन बाहर सभी के साथ में बैठते हैं। बाहर बैठे हैं, बाहर सभी के बैठे, उस समय जितने भी संघ के कार्यकर्ता थे उसमें से कई लोगों को नाम से बुलाते थे उस समय। अरे मात्रावड़े क्या कर रहे हो, अरे हसमुख भाई कैसे, आपका लड़का क्या करता है, अभी पढ़ाई पूरी होगी, ये सभी बात उस समय वहाँ पूछा और सभी को बुलाते थे, जितने भी लोग थे उन सभी को बातचीत करते थे। कई सारी बातचीत करने के बाद में थोड़ी देर बैठे हैं तो बोले कि नटो भी खाना वाना नहीं कर है कि नहीं, खाना खिलाने के कि नहीं के, इन सबको खाना खिलाओगे आप, मैंने आप शुरुआत करो तो खाना खाएंगे। तो मैंने बोला कि आपकी इंतजार करते सब, आप शुरू करो। बोले चलो कहाँ खाना, तो सब साथ में गए, खाने की शुरुआत उन्होंने किया खुद के हाथों से, उन्होंने प्लेट वगैरह ली और जो चाहे वो लिए उन्होंने। हमने बोला कि नहीं हम देते नहीं, मैं लूँगा।
सभी को जितने मेहमान थे उनको, बाहर के जो मेहमान थे संघ के थे उनको आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि बाहर के लोग थे उनको तो आश्चर्य हुआ, रही नटू भी आपके यहाँ सीएम है और इस प्रकार के? बोले हम तो हम परिवार जैसे मानते हैं, परिवार के जैसे हैं। बोले आपने इनका जो हमारे मेरे मेहमान आए थे वो बोलते थे अरे इनका आपने स्वागत नहीं किया, हार तोला नहीं किया। बोले मैं परिवार का हूँ, इनका हम स्वागत थोड़ी ऐसा करेंगे। नरेंद्र भाई व्यक्ति को पहचानने में बहुत ही एक्सपर्ट रहे, हम उससे बातचीत करते थे तो हम क्या कहना चाहते थे वो पहले जान लेते थे, उनकी एकदम खासियत है। हम छोटी सी बात करें तो भी हमारे मन के भाव उनके मन में आ जाते थे। नरेंद्र भाई के पास विजन है, नरेंद्र भाई की सोच जो है ना वो बिल्कुल बहुत आगे की है। वो 5, 10 साल, 15 साल के बाद में क्या होगा और ग्राउंड पर क्या चल रहा है ये उनको पता है, लोगों के मन के अंदर क्या बातें चलती है ये उनको पता है, और समाज के अंदर दुनिया के अंदर क्या चलती है ये उनको पता है। इसके लिए उनकी सोच बहुत ही ज़्यादा है, ये मेरा आंकलन है उनकी तरफ। इस समरसता के बारे में भी बताऊं तो समरसता की सोच यानी कि 1986 में के 87 में उन्होंने समरसता के ऊपर पुस्तक लिखी। उस समय ये समरसता की कितनी आवश्यकता है, उस समय कोई भी नहीं सोच सकते थे कि हम समरसता का काम इतना बड़ा। आज सबसे ज़्यादा समरसता का काम करना पड़ता है, ऐसी परिस्थिति है। उस समय उनको लगता था कि ये सोच बढ़ानी पड़ेगी।